हाय चैंपियंस, हाउ आर यू? वेलकम टू करियर अड्डा। हियर आवर न्यू टॉपिक इज सर्कुलर मोशन एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है कि सिंपल है, सर्कुलर मोशन इज जो भी पार्टिकल क्या कर रहा हो, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, सर्कल में मूव कर रहा हो, तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे, है ना। तो नाम में क्या है, डेफिनेशन छुपी हुई है। अब हमको क्या करना है, इस सर्कुलर मोशन से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले बनाने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाएंगे। डिस्टेंस की फॉर, यहां पे मैं कंडीशन लिख देता हूं, फॉर वन सर्कल या फिर वन रिवॉल्यूशन बोल सकते हो आप, फॉर वन सर्कल या वन रिवॉल्यूशन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, पूरा एक सर्कल ट्रेवर्स करता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमको पता है क्या बोलते हैं, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, टोटल ट्रेवर्स पाथ होती है। तो यहाँ पे टोटल ट्रेवर्स पाथ, कोई ऑब्जेक्ट जो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है वापस यहीं पे आ रहा है, तो टोटल ट्रेवर्स पाथ उसका कितना होगा, सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, है ना। क्योंकि एक पूरा कंप्लीट सर्कल जो हम अगर ट्रेवल करेंगे तो वो क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है उसका। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे लिए, 2πr बन गया। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसके लिए, डिस्प्लेसमेंट होगा 0, है ना बच्चों। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट से वो स्टार्ट कर रहा है वापस उसी फर्स्ट पॉइंट पे आ जा रहा है, मतलब फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या हो जा रही है, ओवरलैप हो जा रही है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हमको मिल गया कितना है, 2πr बाय टी, ये स्पीड का फॉर्मूला मिल गया। वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट, फॉर हाफ सर्कल या हाफ रिवॉल्यूशन, मान लो यहां ए से उसने स्टार्ट किया और यहां बी तक आया, है ना, ए टू बी, तो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, अब हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो हाफ सर्कल ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस दैट मीन्स 2πr, 2 कैंसिल आउट, दैट इज πr। तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, πr हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, 0 होगा क्या, नहीं। अब वो क्या कर रहा है, हाफ सर्कल ट्रेवल कर रहा है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है उसका ए, ये लास्ट पॉइंट है बी, तो ए और बी का डिस्टेंस कितना है, एक डायमीटर के बराबर है ना, डायमीटर के बराबर है। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2r। तो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r। स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारा, πr बाय t। वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी क्या बच्चों, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2r, और टाइम, तो हमको ये वेलोसिटी स्पीड, तो ये दो कंडीशन है, फॉर वन सर्कल और वन कंप्लीट सर्कल, वन कंप्लीट सर्कल के लिए ये सारे फॉर्मूले हैं, और हाफ सर्कल के लिए ये सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए। एन इंसेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, एक इंसेक्ट है जो सर्कुलर पाथ के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसके रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा बच्चों, एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी। एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इज सर्कुलर मोशन इज एक्सलरेटेड और नॉट, इज सर्कुलर मोशन इज एक्सलरेटेड और नॉट, तो कौन बताएगा, एक्सलरेटेड होगा कि नहीं होगा, होगा, एक्सलरेटेड होगा, क्यों होगा, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड स्पीड चेंज होती है, स्पीड को कंटिन्यूसली सेम होती है पर वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों? वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, जैसे इस पॉइंट में क्या होगा ये डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट में क्या होगा ये डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट में क्या होगा ये डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट में क्या होगा ये डायरेक्शन। तो हर पॉइंट में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक्सलरेटेड होता है। तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछता है और रीजन पूछता है, तो आप लिख सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा, सर्कल बना दीजिएगा और डायरेक्शन बता दीजिएगा कि वेलोसिटी का क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सॉरी स्पीड का यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होता रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे आते हैं, कॉन्स्टेंट स्पीड इफ इट टेक्स 1 मिनट टू, अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट स्पीड बोला उसने, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी नहीं बोला है। इफ इट टेक्स 1 मिनट टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ ए, है ना, इफ इट टेक्स 1 मिनट टू मूव फ्रॉम अ पॉइंट, यहां से मूव कर रहा हूँ, स्टार्ट किया, एक इंसेक्ट मूव कर रहा है ऑन द पाथ टू द डायमेट्रिकली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, अपोजिट पॉइंट यहाँ पे बी ले लेते हैं, तो ये हमारा अपोजिट पॉइंट, मतलब ए टू बी उसने क्या किया, ट्रेवल किया, बट ऐसा क्या ट्रेवल किया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, फाइंड करना है क्या, डिस्टेंस कवर्ड। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, फाइंड करता हूँ डिस्टेंस। तो वो क्या किया, एक हाफ सर्कल ट्रेवल किया, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या किया, वो हाफ सर्कल ट्रेवल किया जो कि हमारा क्या है, ए टू बी। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूं, डिस्टेंस फाइंड आउट करूं, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ए टू बी कितना होगा, फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, हाफ सर्कल के लिए पाई आर, पाई इंटू आर, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू गिवन है 10, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 220/7 मीटर, सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पे टी हमको गिवन है 1 मिनट, तो 1 मिनट को क्या करें हम, सेकंड में चेंज कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 60 सेकंड्स हो जाएंगे। अब स्पीड फाइंड आउट करना है बच्चों, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है हमारा 220/7 और टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में कितना है 60, तो 0 0 विल बी कैंसिल आउट, 2 3 जा 2 11 जा, तो क्या हो जाएगा स्पीड कितनी हो जाएगी 11/21 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड हो गई। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर के बराबर होता है ना, हाफ सर्कल के लिए, तो डायमीटर इज इक्वल क्या होता है 2r 2 into 10, दैट इज, अच्छा सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखेंगे, तो 2 into 20 2 into 10 is 20 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट मिल गया बच्चों। नेक्स्ट क्या है, द एवरेज वेलोसिटी, अब हमको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है 20 सेंटीमीटर और टोटल टाइम उसका कितना है 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड्स, है ना। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 0 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 3 जा, तो आप लिख सकते हैं 0.33 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये उसकी एवरेज वेलोसिटी मिल गई। आंसर बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो सर्कुलर के बहुत ही, सर्कुलर मोशन के क्या होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे सर्कुलर मोशन बता दिया, टॉपिक क्या है उससे रिलेटेड फॉर्मूले बता दिए, और एक क्वेश्चन बताया कि सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है कि नहीं होता है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने रीजन भी बता दिया कि क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे स्पीड का डायरेक्शन चेंज होता रहता है सर्कुलर मोशन में, इसलिए वहाँ पे सर्कुलर मोशन विल बी एक्सेलरेटेड। एक न्यूमेरिकल करवा दिया मैंने, आपको क्लियर कर दिया। ओके चैंपियंस, अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं आप क्या करूंगा, अभी तक मैंने क्या किए, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चंस और बेसिक क्वेश्चंस आपको करवाया, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको फॉर्मूले लर्न हो जाए अच्छे से। मैं क्या करूंगा, आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा और आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।